संजय ने कहा। तब राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना में पांडवों की सेनाओं को देखकर अपने गुरु द्रोण के पास लौटकर इस प्रकार कहा, नमस्ते, आज हम भगवत गीता के द्वितीय श्लोक की बात करेंगे। ये बहुत ही आवश्यक और अनुप्रयोगी श्लोक है जो हमें स्वयं की खोज में मदद करता है। श्लोक में दुर्योधन यानी भौतिक इच्छाओं का प्रतीक अपने गुरु द्रोण से परामर्श करता है। द्रोण यहाँ हमारे भीतरी संस्कारों यानी विगत विचारों और कर्मों का प्रभाव का प्रतीक है। इसे समझने की यात्रा को हम अपने दैनिक जीवन में कैसे अनुप्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक महत्वपूर्ण परियोजना पर काम कर रहे हैं। चुनौती यह है कि आपको इसे समय से पूरा करना है, लेकिन आपकी मन की इच्छाएं आपको टेलीविजन देखने या सोशल मीडिया चेक करने के लिए प्रलोभित कर रही हैं। यह आपका दुर्योधन है। जब आप अपने आत्मनिरीक्षण और विवेक को जागृत करते हैं तो आप इस भौतिक इच्छाओं को समझते हैं और उन्हें नियंत्रित करने का तरीका जानते हैं। ये आपके अंतर्मन की पांडव सेना है। यदि हम इसे सही रूप से अनुप्रयोग करते हैं तो ये जीवन शैली, व्यवसाय और स्वास्थ्य के हर पहलू में हमें सहायता कर सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं और अपनी भौतिक इच्छाओं को समझने की यात्रा में खुद को शामिल करें। आशा करता हूँ आपको ये पोस्ट पसंद आया होगा। यदि आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट करें। नमस्ते।